नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं हो तो मोबाइल के थ्रू आप किस तरह अपने TP-Link C60 राउटर को इंस्टॉल कर सकते हैं, उनके सेटिंग्स को आप कर सकते हैं यूजिंग मोबाइल और मोबाइल ऐप ऑफ TP-Link जो है TP-Link Tether ऐप। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे टेथर। इस पर हम इंस्टॉल बटन को क्लिक कर देंगे, इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है, अब इसे हम ओपन कर लेते हैं। हमने अपना जो ऐप है इसे ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम अपना TP-Link ID जो कि हमारा ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे एंटर कर देंगे, पासवर्ड एंटर कर देंगे और फिर से कंफर्म पासवर्ड भी यहाँ दोबारा एंटर कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर साइन अप जो लास्ट में यहाँ पर साइन अप है इसे हम क्लिक करके अपना अकाउंट बना लेंगे। मैंने अपना अकाउंट पहले ही बनाया हुआ है इसलिए मैं दोबारा नहीं बना सकता हूं। तो चलिए मैं अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर कर देता हूं। इस तरह से मैंने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो मैंने साइन अप के दौरान बनाया था उसे एंटर कर दिया है। अब हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पहला इंटरफेस है वो आ चुका है। अब हमें करना क्या है, हमें वाईफाई में जाना है। वाईफाई में चले जाएंगे और यहाँ पर देखिए ये TP-Link ये या फिर ये, इन दोनों में से कोई एक से हम कनेक्शन बनाएंगे, कनेक्ट करेंगे इसको। सपोज मैं 5G से कनेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये पासवर्ड पूछ रहा है। पासवर्ड आपको राउटर के नीचे प्रिंटेड रहता है, वहाँ से आप देख लेंगे और उसे एंटर कर लेंगे। कनेक्ट बटन पर दबाएंगे, देखिए ये ऑब्टेनिंग IP एड्रेस लिख रहा है, रिक्वायर्स लॉगिंग एंड ऑथराइजेशन। अब हम बैक जाकर TP-Link के यहाँ पर चले जाएंगे और नीचे की तरफ खींचेंगे, देखिए लोडिंग लिख रहा है, हमारा डिवाइस लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है, हमें वेट करना है। देखिए लोकल डिवाइस शो कर दिया, TP-Link एयरकर C60। अब इसे हम सेलेक्ट करेंगे, इसके अंदर एंटर करेंगे। सबसे पहले हमें ये बोल रहा है पासवर्ड रखने के लिए, हम कोई भी एक पासवर्ड रख लेंगे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। आप कोई भी पासवर्ड रख लीजिए, क्रिएट पर दबा दीजिए, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब हम ये पूछ रहा है टाइप ऑफ सेलेक्ट योर कनेक्शन टाइप, डायनेमिक स्टैटिक PPOE L2T जो भी आपका कनेक्शन का टाइप हो उसमें सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरा यहाँ पर डायनेमिक IP है तो मैं डायनेमिक IP मेरा सेलेक्ट किया हुआ है, मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। या फिर नहीं आपको समझ में आ रहा हो तो यहाँ पर ऑटो डिटेक्ट ऑप्शन है, इसे आप क्लिक कर दें तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देगा आपका कनेक्शन टाइप क्या है। चलिए मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। डू नॉट चेंज मैक एड्रेस सेलेक्टेड रहने दीजिएगा, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर मुझे ये नेटवर्क SSID न्यू नेटवर्क SSID रखने के लिए मुझे कह रहा है तो कुछ भी रख लेंगे हम। सपोज TP-Link क्योंकि 2.4 GHz है तो इसे मैं 2 GHz रख देता हूँ नाम, और वाईफाई का कोई पासवर्ड रख लेंगे। चलिए मैं रख लेता हूँ कुछ भी, मैंने रख लिया ये। अब नेक्स्ट क्लिक कर देते हैं। 5 GHz का नाम भी देखिए सेम है, बस अंडरस्कोर 5G जो है इन्होंने ऐड कर दिया, उसमें पासवर्ड भी सेम रख दिया है। यदि हमें एक्सेप्ट कर लेना है इस चीज़ को
और नेक्स्ट क्लिक करना है। ये देखिए एक बार ये कंफर्म करने के लिए कह रहा है, कंफर्म एंड अप्लाई योर सेटिंग्स। इंटरनेट कनेक्शन टाइप डायनामिक आईपी टीपीलिंक 2 GHz 2.4 को और टीपीलिंक 2 GHz अंडरस्कोर 5G, ये हो गया हमारा 5 GHz बैंड के लिए। अप्लाई पे फिर से क्लिक कर देंगे। अब हमारी सेटिंग्स जो है वो अप्लाई की जा रही है, थोड़ा सा वेट करेंगे। हमारा जो वाईफाई का जो SSID है वो जो पहले डिफ़ॉल्ट था वो चेंज हो जाएगा, अब नया SSID आ जाएगा। हमें अब दोबारा जो है वाईफाई वाले इसमें जाना है, इसे एक बार ऑफ ऑन कर लेते हैं। ये देखिए हमने जो नया SSID रखा था ये रहा और ये रहा, ये रिफ्लेक्ट हो चुका है वाईफाई के लिस्ट में। अब इसमें से कोई भी एक, जैसे मैं जैसा कि 5 GHz प्रीफर करता हूँ मैं, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोबारा ये मुझे पासवर्ड देने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ जो मैंने अभी सेट किया था। कनेक्ट दबा देता हूँ, देखिए हमारा ये कनेक्टेड हो चुका है। अब वापस हम जाते हैं टेथर ऐप में, ये देखिए इसमें एंटर करते हैं, लॉगिन हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाउ यू कैन एंजॉय द इंटरनेट, इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है। फिनिश कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है बाइंड TP-Link ID, दिस डिवाइस इज नॉट बाइंड टू एनी TP-Link ID, प्लीज़ बाइंड इट नॉट। अभी से हम कैंसिल कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको वायरलेस में दोनों बैंड और उनका SSID शो करेगा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्लाइंट्स हैं 5 GHz से, ये मेरा मोबाइल जो है वो कनेक्टेड है, शो कर रहा है। जितने भी आपके क्लाइंट्स होंगे, जितने भी डिवाइसेस वाईफाई से कनेक्टेड होंगे, वो जो 2.4 से होंगे यहाँ पे शो करेगा, जो 5 GHz से होंगे यहाँ पे शो करेगा। दोनों का लिस्ट आपको मिल जाएगा, जो जिन डिवाइसेस को आपने ब्लॉक किया होगा वो यहाँ पर शो करेगा नीचे। तो और टूल्स में चलते हैं। क्विक सेटअप तो हम देख ही लिए हैं, वायरलेस में जाएंगे तो ये दो हमारे बैंड हो गए, SSID हो गए। इंटरनेट कनेक्शन में जाएंगे तो ये हमें बता रहा है कि हमारा इंटरनेट अच्छी तरह से कनेक्टेड है, देखिए ये टिक किया हुआ है। और डायनामिक टाइप है, IP एड्रेस, डिफ़ॉल्ट गेटवे, सब देखिए ऑटोमेटिकली ये ले चुका है। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ से आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। पेरेंटल कंट्रोल से बच्चों के लिए इसे आप ऑन कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अभी मैं ऑफ कर देता हूँ। उसके अलावा नेटवर्क डायग्नोस्टिक्स है, यहाँ पे आपका नेटवर्क सही चल रहा है कि नहीं इसको आप डायग्नोज कर सकते हैं। डायग्नोज क्लिक करिए, देखिए ये आपको बता देगा योर कनेक्शन विद द राउटर इज ओके एंड राउटर कनेक्शन विद द इंटरनेट इज ऑल्सो ओके, ठीक है। अब फिर बैक चलते हैं और ये हो गया, सिस्टम में जाते हैं। सिस्टम में आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं मैनेज पासवर्ड के थ्रू। पहले आपको करंट पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए देगा। फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं, योर फर्मवेयर इज़ अप टू डेट, यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है अप टू डेट है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बैक चलते हैं, रिबूट कर सकते हैं राउटर को, यहाँ से राउटर रिबूट हो सकता है। फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं और लॉगआउट भी कर सकते हैं यहाँ से, ये तीन चीज़ आप कर सकते हैं यहाँ से। बेसिकली देखा जाए तो आप सारे सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं और हर तरह से मैनेज कर सकते हैं अपने राउटर को। माई डिवाइसेस में जाएंगे तो देखिए आपके जो डिवाइसेस, और भी यदि ये TP-Link डिवाइसेस होंगे तो आपको सब यहाँ पर शो कर देगा, जितने भी आपके लोकल नेटवर्क पे जितने भी TP-Link के डिवाइसेस होंगे यहाँ पे लिस्ट शो कर देगा, और उसे आप ऐड भी कर सकते हैं प्लस करके। और सेटिंग्स में देख लेते हैं क्या है। सेटिंग्स में लैंग्वेज है, इंग्लिश ऐसे रहने दीजिएगा। नोटिफिकेशंस, न्यू फर्मवेयर जब भी इसका आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो इसे ऑन कर लीजिएगा। और बाकी सब कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैं देख लेता हूँ कुछ यदि छूटा हो तो TP-Link ID, जो अभी हमने अपना ईमेल ID से जो बनाया था वही है। डू यू वॉन्ट टू बाइंड दिस, तो बाइंड कर लीजिएगा इसके साथ, बाइंड कर दीजिए, ये बाइंड हो जाएगा इसके साथ। जब भी आप ये ID डालेंगे तो ये डिवाइस आपको मिलेगा, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। बाकी सब सही है। क्विक सेटअप हम अभी कर ही चुके हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो, उन लोगों के लिए जिनके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं है और वे अपने मोबाइल के थ्रू राउटर को
एक्सेस करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं और मोबाइल पर ही वाईफाई यूज़ करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए इजी ऑप्शन है कि आप मोबाइल ब्राउज़र से भी जाके कर सकते हैं। लेकिन उससे सबसे आसान ऑप्शन ये टिपलिंक टेथर ऐप के थ्रू है। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।